हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर्स। चैप्टर 8 है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल एंड अर्बन डिवाइडेड, पुअर रिच डिवाइडेड, जिसमें जिसके अंदर अमीर और गरीब दोनों क्या हुए हैं, हमारे यहाँ डिवाइड हुए हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक इसका चल रहा है हेल्थ का। हेल्थ को लेकर भी पर्संस किस में डिवाइड हो चुके हैं, रिच और पुअर के अंदर वो डिवाइड हो चुके हैं। कैसे? करीब 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। हमारी टोटल पॉपुलेशंस का 70% जो पार्ट है वो कहाँ रहता है, इन रूरल एरिया, कहाँ स्टे करता है, इन रूरल एरिया। बट ओनली 20% ऑफ टोटल हॉस्पिटल्स एंड 50% ऑफ टोटल डिस्पेंसरी आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। देखो, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में रहती है। बट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सबसे कम ही कहाँ है, रूरल एरियाज में। देखो, हमारे आसपास रूरल एरियाज को देखें तो रूरल एरियाज में क्या नहीं है, बेटर हॉस्पिटल्स नहीं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। गांव के अंदर कोई आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। ये सारी फैसिलिटीज कहाँ होती हैं, सारी अर्बन एरियाज के अंदर होती हैं। कहाँ होती है फैसिलिटीज, अर्बन एरिया में। जबकि ज्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ स्टे करती है, कहाँ रहती है, सबसे ज्यादा रूरल एरियाज के अंदर पॉपुलेशन रहती है। जिस कारण से क्या हो रहा है, रिच और पुअर, इट मीन्स ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, रूरल एरियाज में, बट वहां पर क्या नहीं है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर डिस्पेंसरीज नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को क्या नहीं मिल पाता, कंप्लीट जो उन्हें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो सर्विस उन्हें नहीं मिल पाती। अगर वो अर्बन एरिया से माइग्रेट होते हैं फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, तो क्या करना होता है, उन्हें हैवी अमाउंट पे करना होता है, जिससे क्या हो रहा है, क्रिएट रिच और पुअर का जो गैप है वो क्रिएट हो रहा है। सेकेंड, देयर आर ओनली 0.36 हॉस्पिटल्स फॉर एवरी 1 लाख पीपल्स। क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें, हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़ क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। बात करते हैं 1 लाख पर्संस के ऊपर केवल 0.36 क्या है, हॉस्पिटल्स हैं। कहाँ, इन रूरल एरियाज में। इट मींस 1 लाख लोगों के ऊपर 0.36, इसका 36 जीरो एक लाख क्या निकाले, 36% निकाले, तो केवल कितने 360 क्या है हमारे पास, हॉस्पिटल्स हैं, कि जो कैसे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बहुत ही कम है। फिर कह रहे हैं भाई अर्बन एरिया कहें, तो अर्बन एरियाज में 1 लाख पर्सन के ऊपर 3.6 क्या है, हॉस्पिटल्स हैं। 1 लाख के ऊपर कितने हैं, 3.6 हॉस्पिटल्स हैं। वही रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन लिव करती है तो वहां केवल कितने, 0.36। तो कितना कम है, ये 3.6 है, और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स केवल कितने हैं, 0.36। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, इन रूरल एरिया द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। कुछ सालों से तो ये देखा जा रहा है कि रूरल एरियाज के अंदर जो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी जिनके पास नहीं पहुंच पा रही है, ऐसे लोगों की परसेंटेज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती जा रही है। इसका जो मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रूरल एरियाज के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इतनी हाई रेट से इंक्रीज हो रही है कि जिस रेट से हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या नहीं हो पाती, इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज नहीं है जिससे वो क्या, लोग क्या हो सके, अवेयर हो सके। इसीलिए जो हर साल क्या होता जा रहा है कि नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैज इंक्रीज, वो फैसिलिटीज क्या नहीं हो पा रही, उनके लिए इंक्रीज नहीं हो पा रही है। विलेजर्स हैव नो एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो विलेजर्स हैं
उनको क्या नहीं है, कोई स्पेशल नॉलेज भी नहीं है कि किस टाइप के हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट करवाना है या उनको इस टाइम किस की क्या है फैसिलिटीज की जरूरत है। अभी भी जो हमारे विलेजर्स हैं किसके ऊपर डिपेंड है, क्वेस्ट जो हमारे क्या होते हैं हकीम होते हैं उनकी दवाइयों के ऊपर क्या करते हैं वो लोग बिलीव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितनी भी क्या है ये जो हॉस्पिटल्स हैं जितनी भी इंग्लिश मेडिसिन होती हैं या फार्मेसी जो मेडिसिन हैं ये उनके लिए क्या नहीं है, ठीक नहीं है। अभी भी क्या है वहां पर वो लोग इसके ऊपर क्वेस्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं बिलीव कर रहे हैं। फिर है द पुअरेस्ट 20% ऑफ इंडियंस लिविंग इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। जो गरीब है जो पुअर है उनका 20% इंडिया के जो 20% पुअर पर्सन हैं कहाँ रह रहे हैं, कुछ रूरल एरियाज में कुछ अर्बन एरियाज में। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% जो पुअरेस्ट पर्सन हैं रहे कहाँ रहे हैं अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर। Spend 12% of their income of health care. और वो जितना कमाते हैं ना अपनी इनकम का 12% तो वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर क्या कर देते हैं खर्च कर देते हैं। कि देखते हम देखते भी हैं कि सबसे ज्यादा बीमारी है वो बीमारी ही किन लोगों को होती है, पुअर सेक्शंस को ज्यादा से ज्यादा बीमारियां होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, वो प्रॉपर सैनिटेशन लेवल नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपर सैनिटेशन लेवल नहीं है, उन्हें अवेयर नहीं है कि उन्हें अपनी केयर उन्हें कैसे करनी है, साफ सफाई का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। जिस कारण से क्या हो रहा है वो लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। अपनी इनकम का सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो किसके ऊपर खर्च करते हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, वो मेडिसिन के ऊपर खर्च करते हैं। और वही अगर हम बात करें वाई द रिच स्पेंड ओनली 2%, वही जो रिच सेक्शन है जो अमीर इंसान है वो अपनी इनकम पर केवल 2% क्या करता है खर्च करता है। क्यों? क्योंकि वो बाकी बचा हुआ पार्ट किसके ऊपर खर्च कर रहा है, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है। किसके ऊपर खर्च कर रहा है? अपनी हेल्थ के ऊपर। वही जो पुअर सेक्शन है वो अपनी हेल्थ को अवॉइड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च कहाँ करते हैं, मेडिसिन के ऊपर क्या करते हैं वो लोग खर्च करते हैं। इसीलिए रिच और पुअर के बीच में क्या क्रिएट होता जा रहा है, एक गल्फ क्रिएट होता जा रहा है। देखो पुअर सेक्शन ने इनकम का 12% खर्च किया। मैं ये कहूँ कि पुअर सेक्शन है हम मानते हैं वो वेरी पुअर ना है, तो पुअर है और उसकी मंथली सैलरी कितनी है तो वो 7000 क्या करता है अर्न करता है। 7000 का 12% 7000 का हमने क्या निकाला 12% जो उसका 12% है कितना 840 तो उसने क्या कर दिए अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर दिए। वही एक पर्सन रिचर उसका भी हम क्या 7000 ही लेकर चले तो 2% तो 2% कितना होता है ओनली 140। तो 700 रुपए ज्यादा कौन खर्च कर रहा है, पुअर सेक्शन खर्च कर रहा है। क्यों खर्च कर रहा है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है। अच्छी हेल्थ ना होने का कारण क्या है कि वो अपने ऊपर क्या नहीं करता, हेल्थ के ऊपर कोई खर्च नहीं करता। ये रीजन है कि उसे अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम ये कहें कि अपनी बीमारी का जो उसके इतनी सारी डिजीज होती है, बहुत सारी जो बीमारियों ने उसको घेरा हुआ होता है वो उन्हीं बीमारियों का ट्रीटमेंट कराते कराते तो सारी इनकम को क्या कर देते हैं स्पेंड करते हैं। वही नीचे सेक्शन इतना स्पेंड नहीं करता क्योंकि वो अपनी हेल्थ के ऊपर क्या करता है प्रॉपर ध्यान रखता है, उसका जो सैनिटेशन लेवल है वो भी कैसा है अच्छा होता है। ये तो था हमारा रिच और पुअर जो कैसे हुए डिवाइड हो गए, किस कारण से हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूरल एरियाज में ज्यादा ध्यान भी नहीं है। अब है वुमेन हेल्थ, अब बात आती है वुमेन हेल्थ की। वुमेन हेल्थ की क्या कह रहा है कि जो वुमेन्स हैं कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब कि जितने परसेंट हमारे इंडिया में मैन है उतनी परसेंट क्या है वुमेन्स है। हाँ ये रेशियो हमारी क्या होती जा रही है लगातार कम होती जा रही है। जो हमारी फीमेल्स हैं अकॉर्डिंग टू मेल्स उनकी जो परसेंटेज की हम बात करें वो कैसी है, हर साल हम कहें कि जो भी आफ्टर 10 इयर्स जो सेंसस होता है उसमें देखा जाता है कि आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा कि जो हमारी जो फीमेल्स है वो मेल के कंपेरिजन क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। जो हमारा जेंडर्स है वो चेंज हो गए कि कैसे, तो और वुमेन्स की हेल्थ को गिरने का कारण भी कि वुमेन्स का कम होने का कारण भी क्या है कि क्योंकि वुमेन्स को लेकर क्या नहीं किया जाता, उनको लेकर ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती,
वुमेन्स को अवॉइड, हमारी जो इंडिया है ये अभी भी कैसा है, पुरुष प्रधान देश है, या अभी भी जो मैन की क्या करती है, मैन की पावर होती है, वुमेन्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, उसको किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता, उसकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि जो हमारी वुमेन्स है वो मैन के कंपेरिजन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर हम देखो यहाँ से डेटा ले, द चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 927 इन 2001। जब 2001 में क्या हुआ था सेंसस, तो पर 1000 वुमेन्स कितनी थी, चिल्ड्रन कितनी गर्ल्स थी, ओनली 927। मतलब कि 1000 मेल के कंपेरिजन में फीमेल की रेशियो कितनी थी, केवल 927। जो आगे जाके और भी बुरी हो गई कि 2011 में जब सेंसस हुआ तब देखा गया केवल कितनी रही है फीमेल्स, 914 पर 1000 मेल पर्सन। अगर मेल पर्सन 1000 है तो उसके ऊपर 940 ही क्या है, फीमेल्स है। ये सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या ये किस चीज को शो कर रहा है कि वुमेन हेल्थ के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि हमारी वुमेन्स का जो रेट है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू मैन या फिर मेल। नेक्स्ट कह रहा है कि अराउंड 3 लाख गर्ल्स जो हमारे यहाँ, 3 लाख गर्ल्स, अराउंड 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 ईयर ऑफ एज, जिनकी एज कैसी है, 15 ईयर से कम है। जो कितनी है, 3 लाख ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी एज 15 ईयर से कम है, आर नॉट ओनली मैरिड, उनकी केवल शादी ही नहीं हुई है, बट हैव ऑलरेडी बॉर्न चाइल्ड एटलीस्ट वन। इवन वो वन चाइल्ड को क्या कर चुकी हैं, बॉर्न कर चुकी हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या नहीं हुआ, वुमेन्स को वो राइट नहीं मिले हैं जो उसे राइट मिलने चाहिए। तो वुमेन्स के राइट्स को क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन रेट किसका है, मैन का ही है। तो यही कारण रहा है कि जो इतनी गर्ल्स, जो 3 लाख गर्ल्स हैं और इतनी कम एज के अंदर उनकी मैरिड हो जाना या फिर चाइल्ड को बॉर्न कर देना काफी सारे डिजीज को क्या करता है, अराइज करता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है, बॉडी के हम ये कहें कि वो बॉडी अलाउ नहीं करती जिस वर्क को वो क्या कर रही है, जो बेबी वो 15 इयर्स की एज में क्या कर रही है, बेबी बॉर्न कर रही है, वो बॉडी उनकी अलाउ नहीं कर रही है। जितनी उनकी क्या होनी चाहिए थी, जो उनकी वो जो उनकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट होने से पहले ही उन लोगों को क्या हो रहा है, उनके बेबी जिस वजह से क्या हो रही है, उनको बहुत सारी डिजीज हो रही है। अब ये कारण है कि उनका क्या होता है कि ड्यूरिंग मैटरनल उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ पर जो मैटरनल रेट है, क्या है, मैटरनल रेट है, वो रेट क्या होती जा रही है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है। फिर है मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन, हमारी कंट्री के अंदर 50% मैरिड वुमेन से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा जो मैरिड वुमेन है जिनकी एज कितनी है, 15 to 49 है। एज कितनी है जिनकी, 15 to 49 जिनकी एज है, हैव एनीमिया, जिनको क्या हो रखा है, एनीमिया हो रखा है। क्यों, जिसका कारण क्या है, बाय आयरन डेफिशिएंसी, उनके अंदर आयरन की कमी है। क्या, किसकी कमी है, उनके अंदर आयरन की कमी है, और विच हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 19% ऑफ मैटरनल डेथ। इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मैटरनल डेथ में, 19% वो क्या कर रही है, अपना 19% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है किसने, मैटरनल डेथ में, क्योंकि ड्यूरिंग बॉर्न बेबी कि वुमेन्स को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आयरन चाहिए, और वो आयरन उनको नहीं मिल पाने की वजह से वो किस चीज की शिकार बन जाती है, एनीमिया की शिकार बन जाती है, जिससे उनकी मैटरनल जो डेथ है उसी टाइम क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। एंड लास्ट इज अबॉर्शंस, क्या है, अबॉर्शंस कि काफी केसेस में देखा जाता है कि मेनली रूरल एरियाज में भी है कि जिसमें अगर फीमेल चाइल्ड्स को अवॉइड करने के लिए वहां पर क्या किया जाता है कि फीमेल्स को, वुमेन्स को को बार बार क्या फोर्स किया जाता है, उसे टॉलरेट किया जाता है कि उसे क्या कराना होगा, अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना होगा। ये अबॉर्शंस के केसेस भी मेनली किस एरियाज में ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां के लोग क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो लोग क्या नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है, वो मेल और फीमेल्स में क्या करते हैं, बायस्ड है वहां पर, जिस कारण से ये केसेस क्या हो रहे हैं, वुमेन्स की हेल्थ को लेकर इंक्रीज हो रही है। अब है कि अब हेल्थ को लेकर हमारे कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं, ये था, अब हेल्थ को लेकर कौन कौन से बेसिक राइट, वुमन राइट्स कौन कौन से हैं,
वो राइट्स हमें अभी यहाँ स्टडी करने हैं। तो हेल्थ आर बेसिक राइट, ऑल सिटीजंस कैन बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, सभी सिटीजंस क्या कर सकते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज को ले सकते हैं इफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड। अगर इस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को क्या कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। अभी क्या हो रखा है, सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, केवल किसकी चलनी है, गवर्नमेंट की चलनी है। गवर्नमेंट अपने जितने भी क्या है ऑर्डर, जो उसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या ऑथोरिटीज है, उनको क्या नहीं कर पाती, कर पा रही है, डिवाइड नहीं कर पा रही है। अगर वो क्या करे, लोगों को ऑथोरिटी दे, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ऑथोरिटी भी दे, तो क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकती है। डिसेंट्रलाइज कर दो, सेंट्रलाइज की बजाय इन सर्विसेज का क्या कर दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो ये बेसिक राइट्स है, ये मिलना चाहिए। एजुकेशन एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए, एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब लोगों को बार बार अवेयर कराना चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, कि आपको क्या करना, अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी प्रेजेंट में, एट अ प्रेजेंट जो हमारे कोरोना जो महामारी चल रही है, इसमें गवर्नमेंट बार बार, जो पीएम मोदी है वो हमें बार बार संबोधित करते हैं, हम न्यूज पर देखते हैं, डॉक्टर्स हमें बार बार बताते हैं कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हो, कोरोना से कैसे आप बचाव कर सकते हो। तो वो किस कारण से हो रहा है, कि बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह, जैसे कि अभी क्या बनाई है, एक हमारी आयुर्वेद जो एप्स बनाई जा रही है, क्या बनाई जा रही है, कि जो एप्स बनाई जा रही है कि लोग अपने आप में अपनी जो कहते हैं ना, अपनी जो केयर्स है वो कैसे केयर कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से, एजुकेशन एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा तो पब्लिक्स को क्या मिलेंगी, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर्स, इसके अंदर टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी क्या है, प्रॉपर योगदान है, वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सीरियस स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर, जरूरी क्या है कि सीरियस स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, किसको लेकर, इंप्रूव प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब कि जब हमें छोटी मोटी कोई बीमारी होती है या फिर जिसकी स्टार्टिंग होती है, उसी टाइम हमें उसका क्या मिल जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो शायद वो बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उनको क्या करें, इंप्रूव करें, वो इंप्रूव होने जरूरी है, ठीक है। फिर है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि अपनी पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर हमें प्रोवाइड करवा पाता है वो पब्लिक सेक्टर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा सकता। दूसरा, इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू सप्लाई गवर्नमेंट अकेली क्या नहीं कर सकती, डिमांड पूरी नहीं कर सकती, ठीक है। अब है ये हमने करी है, इसके बाद डेफिशिएंसी, कुछ कमियां हैं किसमें, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। वो कमियां क्या है, कि फर्स्ट है इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा, इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट कैसे, कि अकॉर्डिंग टू डिमांड क्या नहीं है, सप्लाई नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अब क्या नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारे पास क्या नहीं है, प्रॉपर बेड फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है। तो ये क्या है, इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इनएडिक्वेट, कि जहां गवर्नमेंट को चाहिए कि रूरल एरियाज में जब ज्यादा पॉपुलेशन रहती है तो रूरल एरियाज के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स होना चाहिए, उस पॉपुलेशन को देखते हुए वहां पर डॉक्टर्स को अपॉइंट करना चाहिए और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि एवरी 1 लाख पीपल्स के ऊपर केवल 0.36 हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स को बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, जिससे लोगों को क्या मिले, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले। फिर है सेकेंड, कम्युनिकेबल डिजीज। हमारी कंट्री में अभी भी लोगों को क्या लगता है कि ये जो बीमारी है, कई बार लोग क्या कर जाते हैं, अपनी बीमारी को छुपा जाते हैं, क्योंकि अगर इस बीमारी का लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, उन्हें बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे पब्लिक को। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स है, एचआईवी है, एड्स है, एचआईवी है, इस बीमारी को देखते हुए लोग सोचते हैं कि ये बीमारियां सिर्फ डिजीज है, ये केवल कौन सी हो सकती है, सेक्सुअल्स क्या होंगी, ये डिजीज होंगी, बट ऐसा सही नहीं है। जो एड्स है, एचआईवी है, रॉन्ग वैक्सीनेशंस को यूज करने से भी बीमारियां हो जाती हैं।
तो अगर ये बीमारी किसी को लगती भी है तो वो डॉक्टर्स को बताने में या अपने फैमिली के अंदर बताने में क्या करते हैं, वो यहाँ पर अपने शेम्स वो फील करते हैं कि ये बीमारी उन्हें नहीं बतानी। तो क्या होना चाहिए कि लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि बीमारियां ऐसी बीमारी नहीं है कि आप उसको किसी के साथ डिस्कस ना कर सको। मतलब कि कोई भी बीमारी क्या नहीं है, इतनी बुरी नहीं है कि आपसे डिस्कस हो, उसको बार बताओ, आप अपनी फैमिली को बताओ, डॉक्टर्स के सामने उसको डिस्कस करो, जिससे उसका प्रॉपर क्या हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। जैसे कि अभी क्या है, जो कोरोना के लिए तो लोग क्या नहीं कर पाते, बताते नहीं है कि मुझे कोरोना है, कि जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा कोरोना की फैलने की मेन वजह ही क्या है कि लोगों ने क्या किया, इस बीमारी को छुपाया है, जिस वजह से ज्यादा लोगों के अंदर क्या हुआ, ये फैल गया है। तो हमारी कंट्री की क्या एक टेंडेंसी बन गई है कि ये बीमारी कैसी है लोगों को बताने वाली नहीं है, बताएंगे तो हमें खुद को शर्म फील होगी। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लोगों को अवेयर कराना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है, बार बार हम जब कॉल करते हैं तो फोन पे बताया भी जाता है कि ये बीमारी क्या नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, हमें बीमार लोगों से क्या नहीं करना है, उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनको क्या करना है, बचाना है, उनका साथ देना है। तो उन लोगों को क्या करे, अवेयर कराए कि किसके बारे में, बीमारियों के बारे में, जो भी हमारे डिजीज है। फिर है पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। हमारे कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज के गिरने का कारण क्या है, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। हमारा जो सैनिटेशन लेवल है वो कैसा, बहुत ही पुअर है, साफ सफाई नहीं होती प्रॉपर, जिस वजह से बहुत सारी जो बीमारियां है वो हम लोगों को क्या करती है, घेर लेती है। जो सबसे ज्यादा बीमार होने का कारण ही क्या होता है कि साफ सफाई का ना होना। इवन हमारे के रूरल एरियाज में तो ये मानते हैं कि वहां पर क्या नहीं, प्रॉपर सैनिटेशन लेवल नहीं है। इवन अर्बन एरियाज में भी अभी भी हमारे 30% ऐसे हाउस हैं जहां पर लोगों के पास अपने पर्सनल टॉयलेट नहीं है। क्या नहीं है, पर्सनल टॉयलेट नहीं है। यही कारण है कि लोगों को जो डिजीज है वो कॉन्टिन्यूस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट अवेयर कराना चाहिए लोगों को कि आपको अपना पर्सनल टॉयलेट ही यूज करना है, या अपने आसपास में जो एरिया है उसको क्या रखना है, साफ रखना है। ठीक है, फिर है लैक ऑफ मैन पावर। हमारी कंट्री में जो मैन पावर की क्या है, बहुत ज्यादा कमी। मैन पावर इट मीन्स डॉक्टर्स, किसकी कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। इंडिया प्रोड्यूस 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट एवरी ईयर। इंडिया है हर साल 12,000 मेडिकल ग्रेजुएट्स को निकालती है, जो कि बहुत कम है। केवल 12,000 डॉक्टर्स उसने निकाले, बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो 12,000 नहीं बढ़ी है, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो जो मैन पावर उसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, कमी। हम देखते हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां जितनी ज्यादा क्या है, वहां पर जितने पेशेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते कि जाएंगे डॉक्टर्स अभी वहां बिजी है, डॉक्टर्स यहाँ बिजी है, वहां बिजी। इट मीन्स पेशेंट्स को जिस टाइम डॉक्टर की जरूरत है उस टाइम उसे वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट, और ये भी देखते हैं कि अब जब अभी जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अभी देखते हो कि जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू मैथ्स नॉन मेडिकल, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स, अकॉर्डिंग टू आर्ट्स, देखते हैं कि जो बायो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। इतने कम स्टूडेंट्स में से सभी तो डॉक्टर्स नहीं बनते, आगे सभी की लाइन्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और हर बार क्या होगा कि जो 12,000 जो हमारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन को देखते हैं बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को अवेयर कराना चाहिए, उनको बेटर फैसिलिटीज देनी चाहिए एजुकेशन के लिए भी, जिससे क्या करें कि लोग इस एजुकेशन से, मेडिकल एजुकेशन को क्या कर सके, अचीव कर सके। फिर है दी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो मेनली किसमें होता है, मेनली जो जिसका शिकार ही कौन बनते हैं, जो हमारे चिल्ड्रन से कुपोषण का शिकार, उनको क्या करना चाहिए, हेल्दी फूड प्रोवाइड करना। जो चिल्ड्रंस हैं उनको सबसे अगर हेल्दी फूड दिया जाए तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, जिससे वो क्या, उनकी जो कहते ना माइंड है वो भी डेवलप अच्छा होगा, जिस वजह से वो क्या कर पाएंगे, आगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। जो प्राइवेट सेक्टर्स का रोल है, पब्लिक सेक्टर्स पे इंक्रेज करना चाहिए या फिर उसे बढ़ावा देना चाहिए कि क्या करें, प्राइवेट सेक्टर उसके साथ मिले और इस पब्लिक को, जितने हमारी पॉपुलेशन है उसको क्या प्रोवाइड करवाए, टाइम टू टाइम हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करवाए। तो आज हमारे चैप्टर्स क्या फिनिश हो चुका। एक इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं इसे रिव्यू बता देती हूँ एक बार। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो टू टाइप्स का था, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कितने टाइप्स का था, टू टाइप्स,
सोशल और इकोनॉमिक और उसकी इम्पोर्टेंस थी, फिर एनर्जी के बाद पावर, और फिर क्या है हमारा हेल्थ, जो तीन इम्पोर्टेंट हमारे क्या है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर हो गया?